चलते हैं इससे आगे, चिनाब ब्रिज दिखाने आपको, वर्ल्ड का, इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। फाइनली जस्ट सामने खड़ा हूँ चिनाब ब्रिज के, और इस टाइम यहाँ पे देख के ना यार, मतलब दिल से अंदर से आवाज निकल रही है भाई, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जस्ट ऊपर ही हूँ मैं चिनाब ब्रिज के, और यहाँ से व्यू पॉइंट से आप देख सकते हो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, काफी बड़ा आर्च बना हुआ है, काफी ज्यादा आइकॉनिक है। बाकी ये जो ब्रिज है पूरा एरोडायनामिकली है, जैसे वो था जिससे पहले दिखाया था आपको ब्रिज, और वैसे ये भी है। बाकी इसके अंदर एक चीज और स्पेसिफिकेशन ज्यादा अच्छी है, इसके ऊपर 100 किलोमीटर पर आवर पे आराम से ट्रेन मूव कर सकती है। 17 पिलर्स हैं इसके अंदर, जिनमें से अगर एक कोई पिलर डैमेज भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बाकी 16 पिलर्स के आराम से सपोर्ट के थ्रू आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोग आराम से मूव कर सकते हैं। जिसको अपनी इंडियन रेलवे यूज करने वाली है भाई, सबसे खतरनाक है सीन भाई, अभी अपन निकलने वाले हैं, सुबह सुबह बस तैयार हो चुके हैं भाई, और यहाँ मुझे साइकिल दिख गई है, कल से मैंने इस साइकिल को देख रहा हूँ, मेरा मन था भाई इस साइकिल को लेके ना अपन घूमेंगे पूरा जम्मू भाई, लेकिन ये भाई राजी नहीं हुए, क्यों भाई? भाई चलाना अगे टंगा दुख रिया ने, की करिए दसो। नहीं भाई मैं सोच रहा इनू लेके ना असि चिनाब ब्रिज लेके चल देने। भाई फिर तुसी मेरी गल ना, तुसी दो दिन पहला निकलना सीगा ओ... है ये आज निकलो तुसी, मैं थानू दो चार दिन बाद ही परमिशन दवा देना, टाइम तो लगना ही फिर थानू। मैं एक ही दिन च पहुंचा सच्ची, 60 किलोमीटर है एक ही दिन च। नहीं भाई एवे है ना, एवे ताल ही पहुंच जाएंगे एक दिन, सच्ची गल है कि नहीं भाई? एक दिन में पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच जाऊंगा भाई, साइकिल लेके चलेंगे, सबसे पहले डिफरेंट हो जाते हैं भाई, साइकिल चलाते हैं चिनाब ब्रिज पे, बाकी चलते हैं, सारी बातें तो चलती रहेंगी, अपन चलते हैं, पास में नाश्ता मिल जाएगा ना अपन को, देखते हैं नीचे। हाँ अपने पास टाइम भाई मेरे से कम बचा है, क्योंकि अभी ना करण सहगल भैया आने वाले हैं, उनके साथ अपन को निकलना है सीधा चिनाब ब्रिज के लिए, और वो हम पाँच जने टोटल, हम पाँच जने मस्त सारे एक्सप्लोर करने वाले हैं, चलो भाई चलते हैं। भाई सबसे बढ़िया तो मनीत लग रही है इस वक्त बैग लगा के, भाई कहाँ जाना है आपने भाई? मनाली की बस जम्मू से आती है, सच्ची बताओ मेरे को तो पता ही नहीं थी। इन्होंने अपना अलग ट्रांसपोर्टेशन खोली है, मनी ट्रांसपोर्टेशन, जम्मू से लेके जाती है मनाली सीधा। चलो 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 पहले नाश्ता खा लेते, नहीं तो सर जो ऊपर वाला हिला हुआ ना वो बच्चा कुछ अभी हिल जाएगा। सो यहाँ अपन को मस्त मटरी मिल चुकी है, और वो भी चाय के साथ, अभी थोड़ा टाइम और है अपन को निकलने के लिए। मटरी नहीं है, मटरी और मट्टी में क्या बराबर है डॉक्टर? हाँ हाँ ये मट्टी है, मट्टी अभी याद आ गया, तो खा लेते हैं इसे और फिर फटाफट निकलते हैं, थोड़ी बहुत देर में ही आने वाले हैं। ये अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम देते हैं, शरीफे को पता नहीं क्या नाम दे रहा था, इसको भी अलग नाम दे दिया। पॉइंट पता है क्या है, आदमी को समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बस बात वो है, तू समझ जाती ना, बस ठीक है। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं भाई अंजी खेड ब्रिज, हम वैसे हम निकल गए थे वहां से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले जम्मू से, और टाइम पे पहुंच चुके हैं यहां पे। पाजी हमारे पास यहां पे कोई बंदा आएगा, यहां पर हैं ऑफिशियल्स हैं जो वो मिलेंगे, देन वहां पर हमारे को बताएंगे जो भी है। तो ये इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज है, रेलवे पहला ही है, रेलवे पहला रेलवे केबल ब्रिज भाई, तो देखेंगे। अपने साथ है करण भाई, हेलो, और करण भाई कल ही निकले थे शायद, है ना? मैं तो कल निकला था, हाईवे इतने अच्छे बन गए, मैं 9:30 निकला था गुड़गांव से, और मैं 8 o'clock पहुंच गया था। क्या बात है, मतलब बीच में रास्ते में रुक के भी खाया पिया भी और सब कुछ, मतलब नॉन स्टॉप अगर आप करो 9-9.5 hours का रास्ता है बस दिल्ली से जम्मू। क्या बात, जब एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो आई थिंक 1-1.5 घंटा और कम हो जाएगा। चलो सही है, हम भी प्लान कर रहे थे अपनी गाड़ी उठा के लेके आने के लिए, लेकिन एकदम सडन जल्दी जल्दी में प्लान बना, उन्होंने बोला गाड़ी चलाने में दिक्कत पड़ेगी, तो इस वजह से ट्रेन से आए, और आपको तो सारा पता ही है ब्लॉग के अंदर। बस अभी थोड़ी देर में उतरते हैं यहाँ से, और फिर आपको केबल ब्रिज दिखाते हैं भाई, इंडिया का फर्स्ट रेलवे केबल ब्रिज। भाई एक बात तो है, पूरा रास्ता बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और खतरनाक कुछ ज्यादा ही है, बाकी गाड़ी जो है ना फॉर्च्यूनर, तो इस वजह से इजी हो पा रहा है, नहीं तो मुझे नहीं लगता हम आ भी पाते। क्यों अक्षय भाई? मैं तो एक आदमी ऊपर टांग के खड़ा हुआ है, और भैया की ड्राइविंग ना बहुत ही तगड़ी है भाई, खतरनाक है भाई, अरे बाप रे, और यहाँ से व्यू देखो भाई,
लेकिन मस्त है यार, एडवेंचरस है थोड़ा ना, पूरा एडवेंचरस है। बस बस पहुंच गए अंजीर ब्रिज, मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर बाद अंजीर मारी ना निकला है बाहर। फाइनली भाई फर्स्ट व्यू मिल चुका है, क्या तगड़ा रही, आपके रिएक्शन आया सबका? सब भाई बहुत अच्छा रिया। फाइनली अपन एक ऐसे खूबसूरत जगह पहुंच चुके हैं भाई, देख के आंखों को विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन कुदरत तो कुदरत है ना भाई। दिखाता हूं मैं आपको, हम पहुंच चुके हैं अंजी ब्रिज, इंडिया का फर्स्ट केबल रेलवे ब्रिज भाई, काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है, सिंगल पिलर में बना हुआ है। और कितनी केबल्स हैं वीर जी? 96 केबल्स भाई, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ से, जल्दी पूछ लो मेरे से क्योंकि मेरा नेटवर्क चला जाएगा फिर। ओहो, पाजी का नेटवर्क भी इशू है थोड़ा। वैसे हमारे गूगल बने हुए हैं, इन्होंने सारा इंसाइक्लोपीडिया करके आए हुए हैं यहाँ पे। और ये देखो सामने, खतरनाक भाई। सो लो भाई दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इंडिया फर्स्ट रेलवे केबल ब्रिज पे भाई, अंजी अंजी खेड़ ब्रिज है जो कटरा को रियासी से कनेक्ट करता है। क्या बात है, पहले जो लाइन आती थी वो आती थी कटरा तक, अब आगे रियासी बक्कल और आपको श्रीनगर साइड जाना कश्मीर साइड, तो पहला कह सकते हैं रियासी स्टेशन से पहली ये कनेक्टिविटी आती है। मतलब इसके बाद ये मान सकते हैं हम कन्याकुमारी कश्मीर के साथ आराम से भाई। और ये जो है ना, ये इंडिया का फर्स्ट केबल ब्रिज है भाई, और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वैसे जैसे ही हमने इसे देखा था तो भाई अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा तगड़ा भाई, मतलब अंदर से ना वाओ, मुंह से बाहर तक अलग ही गले से बाहर आ रहा था, बस दोस्त थोड़ा सा रह गया था और देख के खुश हो गया था, एकदम से सरप्राइज हो गया था, क्योंकि ये दूर से कहीं दिख नहीं रहा था, पहाड़ों के बैक साइड में थे और एकदम से जैसे हमने टर्न लिया और एकदम से सामने से ही ब्रिज देखा भाई, काफी खूबसूरत। मनीत कैसा लगा? क्या बात है भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, इंडियन रेलवे इस वक्त अपनी हाईएस्ट ऊंचाइयों वाली चीजें पकड़ने वाला है भाई, खतरनाक सीन हो रखा है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, मतलब हम कश्मीर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन से, और आपको पता है जहाँ जहाँ ट्रेन जाती है ना वहाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, बाकी यह फ्लाइट महंगी होती है और इवन बस भी ट्रेन से महंगी ही पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा सस्ती होती है ट्रेन, और इसके बाद ईजी लोग हर कोई, छोटे से बड़ा लोग हर कोई ट्रैवल कर पाएगा भाई डायरेक्ट कश्मीर के लिए भाई। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, बाकी चलते हैं आगे की तरफ। सेफ्टी के लिए सारे हेलमेट्स पहना दिए गए हैं भाई। भाई इस वक्त आप इस ब्रिज को देख के ना फील कर पा रहे हो हमारे देश किस लेवल तक अचीवमेंट हासिल कर पा रहा भाई इस वक्त, है ना भाई। सो इंडियन रेलवे का ये जो पैच है ना, इसका लगभग 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसका एक ही जो है टनल उसके अंदर थोड़ा सा भी इशू आ रहा है, मतलब कि आने वाले टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा पैच। होप करते हैं भाई 2025 या 26 तक में आराम से ये पूरा सेक्शन भी स्टार्ट हो जाए भाई, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा बाकी सबके लिए फिर। सो भाई मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज है अक्षय भाई को, क्योंकि अक्षय भाई नॉर्मली ज़्यादातर रेलवे के साथ ही वीडियोज़ बनाते रहते हैं, और अक्षय भाई पूरा रिसर्च करके आए थे इस ब्रिज के बारे में भी, तो जितना मेरे को नॉलेज है, मे भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी जो टोटल लेंथ है टनल से टनल, दैट इज 725 मीटर का इसका टोटल लेंथ है, और इसमें 96 टनल केबल्स यूज हुई हैं, 48 ईच साइड, और उसके अंदर भी दोनों साइड पे आप देख सकते हैं, दैट इज 24 आपको यहाँ पर केबल्स देखने को मिल जाएगी। 10,000 मेट्रिक टन इसमें स्टील यूज हुई, 10,000 मेट्रिक टन, सबसे खास बात मुझे ये बनाती है, और इसमें 200 से 210 किलोमीटर पर आर की स्पीड भी चल जाए ना तब भी इसको कुछ नहीं होने वाला, मतलब इतनी स्पीड में विंड भी चले, मतलब हवा चले इतनी तेज भी 210 कुछ प्रॉब्लम नहीं, 210 तब भी दिक्कत नहीं। और इसमें जितना भी है देखो, ये क्रेन सामने देख रहे हैं ना, ये क्रेन भाई इतनी कैपेबल है, सारा काम क्रेन से हुआ इसमें, और एक ही पिलर 192 मीटर का इसमें पायलन पिलर वो यूज हुआ है ना, वही पूरा उसी भी, क्योंकि दोनों पे कनेक्टिविटी हो नहीं पाती ना, कटरा से लेकर आपको मतलब रियासी सामने है, रियासी स्टेशन आ जाता है टनल निकल के, तो ये कनेक्टिविटी कटरा से रियासी के लिए बेस्ट कनेक्टिविटी सिर्फ इसी ब्रिज से हो रही है। क्या बात, मजा आ गया ना, क्या बात। अब आपको और मजा दिखाएंगे जब जाएंगे चिनाब। चिनाब इसके बाद हम सीधा जा रहे हैं चिनाब ब्रिज के लिए भाई, लेकिन अगर एक चीज देखी जाए तो ये हमारे इंडिया का फर्स्ट केबल रेलवे ब्रिज है भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, मतलब अभी तक इससे पहले कोई भी नहीं था, और इसको बनाया भी उतना ही स्ट्रॉन्ग गया है भाई। चलते हैं इससे आगे, चिनाब ब्रिज दिखाने आपको, वर्ल्ड का, इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चलते हैं सीधा उधर के लिए। निकलने से पहले मैं आपको दिखा दूं भाई, केबल लगाते हुए कभी नहीं देखी थी, तो यहाँ देख लो भाई सामने केबल लग रही है आपके सामने, बहुत बारीक बारीक केबल को वापस में जोड़ते हैं भाई, और इसको भी स्ट्रेच करके वापस जोड़ दिया जाएगा पूरा, काफी ज्यादा मजबूती के साथ रखा गया है देख सकते हो आप। बाकी आप जब भी जर्नी करोगे इस ब्रिज के ऊपर हमेशा याद रखोगे यार, हाँ अर्जी भाई आए थे आपको यहाँ
बने ब्रिज बनने से पहले पहले। चलते हैं अब सीधा यहाँ से चिनाब ब्रिज के लिए भाई, वो भी एक अलग अचीवमेंट है हमारे देश की, सीधा उसी के लिए तरफ चलते हैं। वैसे सबसे हाइप चिनाब ब्रिज की बनी हुई है, लेकिन ये भी छोटी छोटी जो चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, बिना इन टनल्स के बिना ये जो ब्रिज बना हुआ है पूरी कनेक्टिविटी नहीं रहती, तो इनकी भी इंपॉर्टेंस उतनी ही है भाई। चलते हैं सीधा चिनाब के लिए। बाकी काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसा लग रहा होगा भाई, आपका ही मन कर रहा होगा यहाँ पे आके देखने का, लेकिन वीडियो बनाने का, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ आना अलाउड नहीं है, हमने परमिशन ली थी दिल्ली से, आपको पता ही है। उसके बाद हमें परमिशन मिलने के बाद हम यहाँ पे शूट करने आ पाए। ये सारा वीडियो जो है ना वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भाई, अगर आप लोग यहाँ पर आओ तो आपको ये सब पता होना चाहिए भाई, हमारे देश ने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए की हैं भाई, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अभी कम्प्लीट की जा रही हैं जो आगे जाके हमारे फ्यूचर में काम आने वाली हैं भाई। चलते हैं हम यहाँ से सीधा चिनाब ब्रिज के लिए, रुकते नहीं हैं क्योंकि चिनाब ब्रिज में ज़्यादा टाइम लगने वाला है भाई, हमें काफ़ी बड़ा ब्रिज है वो और रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाला है वो, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ते हैं ना वो बेसिकली ये सारे ब्रिजेस के लिए अभी बनाए गए हैं, टेम्परेरी रास्ते हैं वो बेसिकली, मतलब रोड नहीं है, कच्ची रोड है वो सारी, और सिर्फ ब्रिज के कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ सामान लाने के लिए, और कोई इंसान यूज़ नहीं करता क्योंकि यहाँ पे रिहाइश नहीं है किसी की, यहाँ कमर्शियल काम भी और कोई नहीं हो रहा है सिवाय ब्रिज के, जो रेलवे के काम के ब्रिज हैं बस। बाकी ये जो पूरा सेक्शन है वो सिंगल ट्रैक वाला है, मतलब वैसे आप रेलवे ट्रैक दो देखते हो ना, एक जाने का एक आने का, ये सिंगल ट्रैक ही है। आप लोगों को पता नहीं लेकिन मैं बता दूँ सुबह से खाली पेट आया हुआ है यहाँ पे, कुछ भी नहीं खाया भाई, लेकिन अलग से एक्साइटमेंट थी यहाँ आपको लाके दिखाने के लिए भाई। बाकी एक बार बाजी से पूछते, बाजी कैसा लगा यहाँ पे? यार मेरे लिए तो जान है इंडिया, मतलब हम चाहे कितनी भी बातें करें वो कम ही है। और आपको कैसा लगा भाई? हमें तो मजा आया, हमें तो गाड़ी चलाने में, इस रास्ते में मजा आया। खैर भाई को ऑफ रोडिंग करने की आदत है तो भाई को तो दिल खुश हो गया होगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था रोड बहुत खराब है भाई, सारी सिर्फ और सिर्फ रेलवे की लाइंस को बिछाने के लिए कंस्ट्रक्ट करी गई है इस रोड्स को। सो ये जो पूरा सेगमेंट है आप देख सकते हो या तो ब्रिजेस में बना हुआ है या फिर टनल्स में बना हुआ है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुले में चल रही हो, या फिर ब्रिज होगा या फिर टनल, और कुछ भी नहीं। देख सकते हो सामने पूरा टनल बना हुआ, वहां से टनल से निकली ट्रेन और ये ब्रिज पे क्रॉस करके यहाँ एक दूसरे टनल में घुस जाएगी। चाय यहाँ पे नेटवर्क ना आ रहा हो लेकिन हमें मोमोज मिल चुके हैं भाई, वो भी मैगी के साथ, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं और चटनी मस्त बनी हुई है। खाते हैं भाई, मतलब मेरे को अलग ही शौक है आपको पता, मोमोज तो मैं हर जगह जाके ढूंढ ही लेता हूँ खैर, और यहाँ पे जम्मू में जहाँ सिग्नल नहीं आ रहा वहाँ मोमोज। पहले तो राजमा चावल देखते थे इनकी वीडियो में, अब मेरे आने की वजह से मोमोज खाने लगते हैं। अच्छा। मेरे को मत गाली देना गाइस, मेरा नहीं है, मैं नहीं करती कुछ। पहले मैं कम खाता था मोमोज, खुद ही मान ली। दिल्ली के तो हमने कोई नहीं छोड़ा मेरा मोमोज, दिल्ली के लगभग सारे खा लिए हैं। बेस्ट कहां पे लगे? एक अपना ही है द्वारका में, मेरा फेवरेट। मैं केसी वाले के मोमोज खाता हूं, मुझे पसंद है उसके। तो लो भाई हम पहुंच चुके हैं चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के लिए भाई। फाइनली सबर का बांध खत्म हुआ भाई, हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पे भाई, चलते हैं सीधा। फाइनली जस्ट सामने खड़ा हूँ चिनाब ब्रिज के, और इस टाइम यहाँ पे देख के ना यार, मतलब दिल से अंदर से आवाज निकल रही है भाई, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। ब्रिज बहुत ही बड़ा है, बहुत यूज है, मतलब थोड़ा सा 0.5 पे करके दूर करियो और मेरे को देखो और फिर भी ब्रिज देखो, ब्रिज मुझसे कितना बड़ा होगा भाई, काफ़ी बड़ा है भाई। और नीचे डेप्थ देखोगे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है, मतलब चिनाब रिवर बहुत नीचे, बहुत गहरी है भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हालांकि ऊपर इसका क्लाउडी है, मैं सोच रहा था शायद नीचे भी बादल मिलेंगे देखने के लिए, कई बार बादल होते भी हैं यहाँ नीचे, क्योंकि यहाँ पे जब रेनी सीजन रहता ना तो उस टाइम पे यहाँ पे बादल हो जाते हैं नेचुरली, काफ़ी हाइट पे ना इस वजह से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बाकी अभी हम परमिशन लेने वाले हैं और उसके बाद फिर हम ब्रिज पे जाने वाले हैं, तो फिर आपको ब्रिज दिखाएंगे पास से, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, जुड़े रहो आगे दिखाता हूँ आपको। भाई साहब मैं अपनी आंखों को बिलीव नहीं कर सकता हूँ इस वक्त, वैसे तो ये भाई अलग ही अचीवमेंट है इस वक्त हमारे देश की भाई, लेकिन जब तक इसे देखते रहो ना आंखों को, मतलब क्या होता हूँ भाई, बस एक ही चीज़ बता सकता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जस्ट ऊपर ही हूँ मैं चिनाब ब्रिज के, और यहाँ से व्यू पॉइंट से आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी बड़ा आर्च बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है। बाकी ये जो ब्रिज है पूरा एरोडायनामिकली है, जैसे वो था जिससे पहले दिखाया था आपको ब्रिज, और वैसे ये भी है
बाकी इसके अंदर एक चीज और स्पेसिफिकेशन ज्यादा अच्छी है, इसके ऊपर 100 किलोमीटर पर आवर पे आराम से ट्रेन मूव कर सकती है। 17 पिलर्स हैं इसके अंदर, जिनमें से अगर एक कोई पिलर डैमेज भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बाकी 16 पिलर्स के आराम से सपोर्ट के थ्रू आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोग आराम से मूव कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ हो ना भाई, काफी ज्यादा डेप्थ से आपको दिख रही होगी, इस वक्त चिनाब रिवर है और काफी ज्यादा ऊंचाई पे ही ये ब्रिज बना हुआ है। अलग ही अचीवमेंट है भाई ये ब्रिज जो है, फाइनल अचीवमेंट हमारे देश की इंडियन रेलवे की। इसके बाद कश्मीर टू कन्याकुमारी रेलवे ज्वाइन हो जाएगी भाई, जैसी ट्रेन इस पर मूव करने लग जाएगी। एक चीज और बता दूं, जून तक इसी ट्रैक पर ट्रेन मूव करने लग जाएगी भाई। इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हो ऊपर तारे भी लग चुके हैं, आराम से ट्रेन मूव कर पाएगी और जून में हो सकता है कि हम भी प्लान करें आने के लिए जब फर्स्ट ट्रेन यहाँ पे मूव करेगी उस टाइम पे। कमेंट करके बताना अगर आपको मन करे देखने का, तो हम जरूर जाएंगे आप लोगों के लिए। लाइक जरूर करना इस वीडियो को अच्छा लगा तो, और शेयर करना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि लोगों को पता चले हमारा देश क्या क्या चीजें हमारे लिए कर रहा है, हम सब लोगों के लिए, और सब लोगों को अचीवमेंट देखने के बाद फील हो सारे जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भाई। बस थोड़ी देर और उसके बाद हम इस ब्रिज के ऊपर जाने वाले हैं और फिर आपको ऊपर से भी दिखाएंगे पूरा। काफी ज्यादा लंबा है भाई, मैं आपको दिखा दूं, काफी ज्यादा वहां से आना हमने और यहाँ आने आने में हालत खराब हो जाएगी, लगभग होंगे 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ने वाला है और फिर वापस 2-3 किलोमीटर ही पैदल चलने वाले हैं हम, पर कोई दिक्कत नहीं है, चलता है भाई। जब देश ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हमें हासिल करके दी है हम सब लोगों के लिए, तो हमारा इतना तो बनता ही है कि हम अपने थ्रू सब लोगों को दिखा पाएं एजुकेशनल पर्पज पे कि हमारा देश क्या क्या अचीव कर रहा है इस वक्त। सो इस वक्त हम आ चुके हैं चिनाब ब्रिज के जस्ट ऊपर भाई। नॉर्मली आपने देखा होगा ट्रैक पे ना, मतलब कि या तो लकड़ी के होते हैं लॉग्स या फिर होते हैं या फिर सीमेंट के, ठीक है, और बजरी होती है नॉर्मली साइड में, लेकिन यहाँ पे ना बजरी नजर आ रही है, ना लकड़ी ना सीमेंट, सिर्फ और सिर्फ आयरन यूज किया गया है, देख सकते हो, और पूरा आयरन का बना हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, काफी ज्यादा खूबसूरत है। और मैं प्रे करता हूँ कि जितने भी यात्री इस ट्रैक के थ्रू गुजरेंगे यहाँ से, वो इसको मेंटेन रखेंगे, गंदगी वंदगी नहीं फैलाएंगे, जितनी इसकी खूबसूरती इस वक्त है ऐसी खूबसूरती आगे भी रखेंगे भाई, काफी ज्यादा खूबसूरत है और पूरा आयरन का बना हुआ है, देख सकते हो जिस एरिया में हम चल रहे हैं ये भी आयरन का पूरा, और इवन जो ट्रैक है वो भी पूरा आयरन का है, काफी बड़ा स्पेस साइड में छोड़ा हुआ है, मे भी शायद हो सकता है आगे चल के एक लाइन और बच जाए और आराम से जाने आने का गो एंड थ्रू इजीली हो जाए, अभी सिर्फ जाने जाने का या फिर इसी को आने के लिए भी यूज करना पड़ेगा, एक ही ट्रैक है, बाकी एक और ट्रैक हो जाएगा तो आने जाने का दोनों ट्रैक हो जाएंगे भाई। चलते हैं अब यहाँ से आगे की तरफ, आपको आगे भी दिखाते हैं। सो मनीत ने मुझसे एक सवाल पूछा भाई, जैसे बाथरूम्स होते हैं ना, जो टॉयलेट्स होते हैं ट्रेन के अंदर, अगर वो गंदगी करेंगे तो ट्रैक के ऊपर गिरेगा, वो कहाँ जाएगा? मैं आपको बता दूं भाई और मनीत को भी बता दूं, जो टॉयलेट्स होते हैं ना ट्रेन के अंदर, अब वो बायोडिग्रेडेबल बन रहे हैं, जैसे फ्लाइट के अंदर होते हैं सारे, वैसे ही उनका जो भी वेस्ट होगा ना वो सारा ट्रैक पे नहीं गिरेगा, वो ट्रेन के अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा, जब वो फाइनली अपने कोई एक जो लोकेशन पहुंचेगी तो वहां जाके वो सारा बायोडिग्रेडेबल डंप किया जाएगा और फिर वहां जाके वो आगे जो भी होगा उसका बेसिकली पता नहीं, पर यहां पे नहीं होगा कुछ भी, तो गंदगी कुछ भी ट्रेन के वजह से कुछ भी नहीं मचने वाली भाई। जैसे पहले क्या होता था, टॉयलेट सारे ओपन होते थे, नीचे ही सारा ट्रैक पे गिरता था सब कुछ, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है, समझ गए? अब ये सवाल मत पूछना। बाकी एक चीज और देखो, ये ना हल्का सा कर्व है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्रिज भी हल्का सा कर्व बना है, आप देख सकते हो यहाँ से, तब भी इसकी 100 की स्पीड है तो आराम से जा सकती है, और जब ट्रेन यहाँ से मूव करेगी ना काफी खूबसूरत लगेगी, पूरा कर्व से मतलब आपको व्यू दिखाएगी अच्छी तरीके से, काफी ज्यादा खूबसूरत है भाई पूरा ट्रैक। हम थोड़ा सा मिड पे चलते हैं और फिर आपसे बातें और करते हैं। इस पूरे सेगमेंट में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी भी दे दिया, ताकि ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इजीली मूव भी कर सके। हालांकि इससे पहले जो हम अंजी ब्रिज पे गए थे ना, वहां पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी गई है, हो सकता है अभी थोड़ा टाइम लगे और वो वाला सेगमेंट को चालू होने में टाइम लगे, लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है ये जून जुलाई तक पक्का चालू हो जाएगा भाई, सुनने में तो ऐसे ही आ रहा है, बाकी अगर चालू हुआ तो आपको वीडियो देखने में जरूर मिलेगा, उसके बाद आप लोग आराम से आ सकते हो भाई बिना किसी टेंशन के। बाकी यार ये वाला पैसेज भी देखो कितना खूबसूरत बना है, मतलब एक ही चीज को कितने बारीकी से और कितने खूबसूरती से बनाया गया भाई, है कि नहीं? और भाई नेचर नेचर की तो बात ही मत करो जम्मू की, वो सामने खूबसूरती, ओहो नहीं 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 ब्रिज उन्होंने इसलिए थोड़ा दिया है, परमिशन इसलिए थोड़ा दिया, लोट पोट के नाच रहा है, परमिशन इसलिए मिली है ताकि हम आपको आराम से सारा कंटेंट दिखा सकें, यहाँ पर दिखा सकें, एजुकेशन पर्पज से दिखा सकें, लोगों को पता चले। सामने व्यू देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जम्मू है ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भाई, पूरा सेगमेंट बहुत खूबसूरत है ये वाला, बस थोड़ा सा समय और बचा है और ये कंप्लीट होगा और खूबसूरती आप भी देख पाओगे यहाँ पर आके। काफी बड़ी मशीनरी लगी हुई देख सकते हो और इवन ट्रैक भी बनाया गया मशीन के मूव करने के लिए, इसीलिए मुझे लगता है नीचे से सामान ऊपर लेके आने के लिए ना वो है, पूरी क्रेन टाइप की है और काफ़ी यूज है, काफ़ी ज़्यादा यूज है। इस वक्त हम मिड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं पूरे चिनाब ब्रिज के, बिल्कुल आर्च के ऊपर ही होंगे जो आपने आर्च देखा होगा। सो यहाँ देख सकते हो पूरे आर्च के हम मिड में हैं भाई, और भाई डर लग रहा है क्या यहाँ पे? भाई थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है,
आपको देख के फिर उसको देखता हूँ मेरे सर। खैर मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत मजबूत बना है, मैं कुछ हार्म नहीं पहुंचा रहा। चलिए काम करो, थोड़ा एक स्टेप नीचे हो जाओ। नहीं 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 नहीं, फिर तो डर लगेगा। खैर तभी तो सिक्योरिटी के लिए बना रखी है पूरी रेलिंग, ताकि हमें दिक्कत ना आए, आराम से हम यहाँ पे खड़े हो सके और मूव भी कर सके। मैंने एक बात नोटिस करी है, बार बार कभी बोल रहे हैं आप रस्सी पे टंग जाओ, कभी बोल रहे हैं नदी में कूदो, क्यों भाई मेरे पति को क्यों बोल रहे हैं ऐसे? सनसेट काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ज्यादा खूबसूरती है भाई इस पूरे सेगमेंट पे। सच्चे यार मजा आ गया यहाँ पर आके, वर्थ इट था यहाँ पे आना। बाकी ये पूरा कंटेंट सारा एक्सक्लूसिव था आप लोगों के लिए, यहाँ तक हमारे शूट करने के लिए सारा एजुकेशन पर्पस पे है। और जब भी आप यहाँ पे जर्नी करोगे तो उस टाइम पे आप ये वीडियो देखे हुए होगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको पता होगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे लिए देश ने हमारे लिए बनाई है भाई, है कि नहीं मनीत? चलो भाई चलते हैं यहाँ से वापस की तरफ। सो मौसम बिगड़ चुका है पूरा भाई, देख रहे हो ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है, आंधी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आई थी भाई, बिगड़ गया था पूरा, गंदी तेज़ मौसम, मतलब आसपास में जितने भी टेंट शेड बने हुए थे ना वो भी बिगड़ चुके थे भाई, इतनी तेज़ थी आंधी। अब थोड़ा बाहर गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और नॉर्मल हो चुके हैं। भाई कैसा लग रहा था एकदम से? घबराहट मच गई थी बिल्कुल भाई की जान, ड्रोन नीचे आ चुका था, ड्रोन ताड़ दिन से बैठ भैया, हार्ड नीचे गिरा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, टूट जाए कोई टक्कर, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए और बच गया भाई, जान पे लग के तब नीचे आ गए, नीचे उड़ जाता है, उड़ जाता है वो, किस्मत थी भाई। आंधी आई, आंधी से सिर्फ और सिर्फ मतलब एक दो सेकंड पहले ही नीचे लैंड हुआ, अगर एक दो सेकंड बाद लैंड होता तो ये पार जाता भाई पूरा, टाइटल होता फिर 1.5 लाख का नुकसान। वैसे तो मैं इस रास्ते से बहुत बार गुजरा हुआ हूँ पुंछ की तरफ जाने के लिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है, लेकिन यहाँ देखो भाई सनसेट होने वाला है, मुझे तो लगा था शायद सनसेट हो गया पर अभी नहीं हुआ भाई, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रास्ता भाई पूरा, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ भाई सनसेट भी कह रहा है। चलो भैया हम निकलते हैं सीधा वापसी की तरफ, प्यारे प्यारे व्यू। सो टाइम आ चुका है बाय बाय कहने का सबको भाई, भैया जा रहे हैं सीधा जम्मू के लिए, और आप कहाँ निकल रहे हो? घर के लिए वापस। ओह वाह, और हम लोग जा रहे हैं सीधा वैष्णो देवी धाम यात्रा के लिए भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे वाले वीडियोस में, हो सकता है वो आप अगले व्लॉग में देखो, ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो सबको बाय बाय करते हैं और अपन भी निकलते हैं। बाय बाय भाई, जल्दी मिलेंगे फिर से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भाई, बाय बाय। यहाँ आ चुका है अपने घर का सादा खाना, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया था जहाँ पे अपने घर वाला जैसा खाना मिल गया है, खाना वाना खाते हैं और फिर हम सीधा जाने वाले हैं वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए। काफ़ी सारे लोग प्लान करने वाले हैं क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं यात्रा करने के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूँ क्या कंडीशन है इस वक्त, क्या सहूलियत आपको मिलने वाली है वैष्णो देवी धाम में, तो सारी चीज़ें आपको अगले ब्लॉग में मिल जाएंगी। आराम से आप ब्लॉग देखना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे वाले वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करना, कल मिलते हैं भाई, बाय बाय।